अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मज़ेदार से कोफ्तों की रेसिपी। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है क्योंकि इसमें हम मेक एंड फ्रीज़ करेंगे, कोफ्ते बना के उसे फ्रीज़ कर लेंगे। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीट बॉल तैयार करेंगे और इसमें देखते हैं क्या क्या डलता है। हरे मसाले में हम प्याज ले लेंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और अदरक ले लेंगे। और इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। जो चीज़ अवेलेबल हो वो ले लें, जो ना हो वो ना डालें, लेकिन इससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है, तो ये इसलिए हम डालते हैं इसमें। इन सबको चॉप कर लेंगे और फिर कीमे में शामिल करेंगे। अनियन ले लेंगे 1 मीडियम साइज़, 1/2 कप। चने ले लेंगे हम छिले हुए, 4 टेबल स्पून खोपरा ले लेंगे पिसा हुआ, और 2 टेबल स्पून खशखाश ले लेंगे। इन चारों चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे स्पाइस ग्राइंडर में डाल के। खशखाश को पहले हमें अच्छे तरीके से धो लेना है क्योंकि इसमें बारीक बारीक मिट्टी होती है, इसलिए इसे धो के और फिर स्पाइस ग्राइंडर में हम डालेंगे। 2 केजी हमने कीमा ले लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये जो हमने चना और खशखाश, चने, प्याज और खोपरा पीस लिया था ये भी इसमें डाल देंगे। साथ में हरा मसाला जो हमने तैयार किया था चॉप करके वो भी इसमें डाल लेंगे। नमक इसमें हमें हसबे जायका रखना है, लेकिन कम रखना है क्योंकि हम जो करी तैयार करेंगे कोफ्तों की उसमें भी नमक डालेंगे, तो बस थोड़ा नमक इसमें डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमे को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कोफ्तों का कीमा तैयार हो गया, अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। ऑयल ले लेंगे हम, इसको अपने हाथ पे हल्का सा लगा के और थोड़ा सा कीमा कोफ्तों का लेंगे और उसको बॉल्स की शेप देंगे इस तरह से, हम उसे दबा के ताकि उसमें कोई एयर ना रहे, और फिर उसे बॉल्स की शेप देंगे हम। और इस तरह से हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं। सारे कोफ्तों को अब हम फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर लेंगे, और इसको फ्रीज़ करने के बाद किसी भी जिप लॉक बैग में करके रख देंगे। और इस तरह से हम इसे जब चाहे निकाल के और इसकी करी तैयार करके उसमें से शामिल करके बना सकते हैं। तो आएँ इसकी करी भी हम बना के आपको दिखा देते हैं। कोफ्तों की करी बनाने के लिए हम एक पॉट ले लेंगे और इसमें घी ऐड कर देंगे। 1/2 कप हमने घी ले लिया है, और घी को हम मेल्ट कर लेंगे। जब हमारा घी मेल्ट हो जाए इसमें 5 से 6 अदद हम अनियन ऐड करेंगे स्लाइस करके, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। हमें इसे प्रॉपर गोल्डन ब्राउन करना है और योगर्ट के साथ हम इसे ग्राइंड करेंगे। बिल्कुल जब हमारी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन अनियन हो जाएंगी तो हम इसे डायरेक्टली पॉट में से निकाल के ग्राइंडर में डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे 1 कप योगर्ट के साथ। सारी अनियन को हम ग्राइंड करेंगे, और इसको ग्राइंड करने के बाद इसका मसाला तैयार करेंगे। 1.5 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिए, 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, और 1 अदद स्मॉल टोमेटो हमने ले लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी मिला दिया ताकि मसाला जब हम फ्राई करें तो वो जल ना जाए ऑयल में डालती। तो अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ये भुन गया अच्छे से। अब हम इसमें ये जो हमने योगर्ट और अनियन का मिक्सचर तैयार किया था वो शामिल करेंगे और इसे सिमर आने तक कुक करेंगे। जैसे इसमें हल्के से बबल आना शुरू हो जाए, इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम हमारे फ्रोज़न कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्तों को आराम आराम से एक एक करके रखना है ताकि वो टूट ना जाए, और इसको हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है और ढक्कन लगा के हल्के चूल्हे पे हम इसे छोड़ देंगे। थोड़ी देर में कोफ्ते पानी छोड़ेंगे और अपने आप सारे कोफ्ते
करी के अंदर डूब जाएंगे। उसके बाद हमें इसे कपड़े की मदद से पकड़ के और हिला लेना है, चमचा बिल्कुल नहीं चलाना वरना कोफ्ते टूटेंगे हमारे, क्योंकि इस वक्त वो बहुत नरम है। इसमें नमक ऐड कर देंगे हसबे जायका और फिर से इसे हिला लेंगे नमक मिक्स करने के लिए। उसके बाद हम इसे कवर करके थोड़ी देर और पकाएंगे। जब इसका काफ़ी ज़्यादा पानी निकल आएगा और कोफ्ते कड़क हो जाएंगे फिर हम इसमें चमचा चला सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से, बिल्कुल हमें इसमें ज़ोर ज़ोर से चमचा चलाना नहीं है और भूनने के लिए बहुत तेज़ चमचा नहीं चलाएंगे वरना कोफ्ते टूटेंगे। इसको थोड़ा सा हम भूनने के बाद और इसमें पानी शामिल कर लेंगे, जितनी हमें इसकी करी चाहिए, जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए करी की, उस हिसाब से हम पानी डाल के और हल्के हल्के से इसे हिलाएंगे। इसे पका लेंगे। जब करी हमारी तैयार हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। हमने ये फ्रोज़न कोफ्तों से ये तैयार किए हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।